नमस्कार और स्वागत है। आज हम देखेंगे कि गूगल क्लासरूम में मंथली टेस्ट का पेपर कैसे बनाएंगे, जो कि एमसीक्यू टाइप है, और यह गूगल सूट अकाउंट हमारे जी सूट अकाउंट के साथ लिंक्ड है। इसके लिए सबसे पहले हम इंटरनेट ब्राउज़र पे जाएंगे अपने फ़ोन के, जहां से हम इंटरनेट के पे साइट्स देखते हैं, और वहां हम google.com पे जाएंगे या जीमेल पे भी आप जा सकते हैं। वहां पहुंच के सबसे पहले हम अपना प्रोफाइल चेक करेंगे कि हम जी सूट अकाउंट में है कि नहीं। अगर हम जी सूट अकाउंट में है तो हमें यहां क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गूगल क्लासरूम का ऐप ओपन होगा हमारे ब्राउज़र के माध्यम से। तो इस पे हम क्लिक करते हैं और हमारा क्लासरूम आएगा। अगर आप अपने अकाउंट पे नहीं हैं तो अकाउंट आप स्विच अकाउंट कर लीजिए और जी सूट वाले अकाउंट से ही आप गूगल क्लासरूम में आइए उन डॉट्स पे क्लिक करके। तो हम पहुंच गए हैं अपने क्लासरूम में। यहाँ जिस क्लास के लिए हम पेपर बनाना चाहते हैं उस पे हमने क्लिक किया। आईपी का पेपर मैं बना रही हूँ। वहाँ जाके हमें क्लिक करना है क्लास वर्क पे। क्लास वर्क में जाके क्रिएट में जैसे ही हम पहुँचते हैं आपको ये ऑप्शंस मिल रहे हैं। यहाँ हम लेते हैं क्विज़ असाइनमेंट, जो आपके क्लासरूम ऐप में नहीं आएगा, डायरेक्ट ऐप में, ठीक है। तो हम यहीं पे क्लिक करेंगे क्विज़ असाइनमेंट। इस पे हमने क्लिक किया। क्विज़ असाइनमेंट में क्लिक करने के बाद असाइनमेंट का पेज आएगा, जहाँ कुछ डिटेल्स हमें भरने हैं और क्वेश्चन पेपर हमें बनाना है। तो सबसे पहले आप ऊपर दे सकते हैं कि आपका क्लास का नाम आ रहा है और ऑल स्टूडेंट्स आ रहा है। अब अगर आप चाहते हैं कि सप्लीमेंट्री के बच्चों को ये एग्ज़ाम ना देने दिया जाए तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और आप अनटिक कर दीजिए उन बच्चों के नाम। इस तरह से सप्लीमेंट्री के बच्चे ये एग्ज़ाम नहीं देंगे। अब टाइटल, आप एक टाइटल दे दीजिए एग्ज़ाम का, मंथली टेस्ट जुलाई टाइटल दे दिया। इंस्ट्रक्शन, अगर बच्चों के लिए कोई इंस्ट्रक्शन है ये आप डाल सकते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लैंक क्विज़ और ग्रेड इंपोर्टिंग, ये सिर्फ जी सूट अकाउंट की ही फैसिलिटी है, ये आपको मिलता है, जिसके कारण आप देख सकते हैं कि बच्चा एक बार ही रिस्पॉन्स कर सकता है। ऑटोमेटिक ईमेल एड्रेस आपका ले लेगा गूगल फॉर्म। तो और ग्रेड आपको यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है, आपका ऑटोमेटिक ग्रेड एग्ज़ाम जहाँ बच्चा देगा वहाँ से यहाँ इंपोर्ट हो जाएगा, गूगल क्लासरूम में ग्रेड आपका इंपोर्ट हो जाएगा। ओके, तो हम क्लिक करते हैं ब्लैंक क्विज़ पे। हमने क्लिक किया ब्लैंक क्विज़ पे तो गूगल फॉर्म ओपन होगा, एक गूगल फॉर्म ओपन होगा। आइए हम दो तीन क्वेश्चंस बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे गूगल फॉर्म में हम क्वेश्चन पेपर बनाएंगे। सबसे पहले ब्लैंक क्विज़ ये जो है यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ भी इसका हेडिंग चेंज कर दिया। क्रॉस करते हैं, इसका भी हेडिंग चेंज कर देते हैं, मंथली टेस्ट दे देते हैं। जुलाई फॉर्म डिस्क्रिप्शन आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। अनटाइटल्ड क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन, यहाँ हम इस पर क्लिक करते हैं और हम सबसे पहले एक बार फिर से बच्चे का नाम पूछ लेते हैं। अब बच्चे का नाम शॉर्ट आंसर ही होगा, मल्टीपल चॉइस तो हो नहीं सकता है। ये वाला एरिया आप देखिए, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको डिफरेंट आंसर टाइप्स मिलेंगे, किस तरह का आपको आंसर चाहिए। पर ये एमसीक्यू ही है तो हमारा मल्टीपल चॉइस ही रहेगा ये,
और नाम सिर्फ शॉर्ट आंसर रहेगा। इसके बाद हम इसको रिक्वायर्ड बना देते हैं, नाम हमारा ज़रूरी है। अगर आप किसी क्वेश्चन को डिलीट करना चाहते हैं तो आप ये ऑप्शन है डिलीशन का, ये बहुत कॉमन सिंबल है, आप इस पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन के लिए हमें क्लिक करना है इस प्लस साइन पे। प्लस साइन आपको दिख रहा है, ये अगले क्वेश्चन के लिए इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक हमने किया इस पे और हम पहला क्वेश्चन डालते हैं। 1 LAN stands for option 1। देखिए सजेस्टेड करेक्ट आंसर भी दे रहा है गूगल, तो option 1 सबसे पहले हम यही लिखते हैं जो करेक्ट आंसर है, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला ऑप्शन के लिए ऐड ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, option 2 आ जाएगा आपका, ठीक है, लिंक्ड एरिया नेटवर्क। ओके, इस तरह से आप ऐड ऑप्शन करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हमें इसके आंसर को भी सेट करना है और इसका पॉइंट भी सेट करना है, तो आगे बढ़ते हैं। आपको दिख रहा है ये टिक मार्क, ये टिक मार्क, तो यहाँ जाना है हमें, यहाँ पे हमने क्लिक किया तो देखिए आ रहा है चूज करेक्ट आंसर और पॉइंट्स। पॉइंट्स 1 पॉइंट दे देते हैं, आगे बढ़ते हैं, करेक्ट आंसर चूज करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क और डन। इससे आपका आंसर उस क्वेश्चन के साथ सेट हो गया और इसको रिक्वायर्ड, हर एक क्वेश्चन को रिक्वायर्ड बनाइए। आगे बढ़ते हैं प्लस, ठीक है। अब question 2, मानिए आपको इमेज डालना है, एक इमेज डालना है और उसका आइडेंटिफिकेशन देना है, तो आइडेंटिफाई पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, द नेटवर्क ये हमने लिख लिया, ओके। अब यहाँ क्लिक कीजिए, ठीक है, इंसर्ट इमेज। ठीक क्वेश्चन के बाद एक छोटा सा सिंबल आता है इमेज का, एक बॉक्स, इंसर्ट इमेज, ब्राउज कीजिए, फाइल्स में चलते हैं, ठीक है। आपको लोकेशन पता होना चाहिए कि आपका इमेज कहाँ है, और हम इमेज डालते हैं, ये इमेज मैंने सिलेक्ट किया और ओपन, तो इमेज धीरे धीरे आपके क्वेश्चन में आ जाएगा। ये रहा, इमेज आ गया और इस बॉक्स की मैं बात कर रही थी, ठीक है। क्वेश्चन के साथ, आंसर के साथ हर जगह आपको ये बॉक्स दिखेगा जो है इमेज का बॉक्स, तो ये डाल दिया एक इमेज हमने, ये भी मल्टीपल चॉइस ही होगा। ऑप्शन दे देते हैं हम, लैन, दूसरा ऑप्शन दे देते हैं मैन, तीसरा ऑप्शन दे देते हैं वैन। अब अगला काम हमारा क्या है, इसको रिक्वायर्ड बनाना और इसका आंसर की सेट करना, ठीक है। इसका आंसर की मानिए 2 पॉइंट्स देते हैं और करेक्ट आंसर पे क्लिक डन, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आपने दे दिए। अगर हम देखें तो एकदम ऊपर आपको टोटल पॉइंट्स भी दिखते जाएंगे, आपके क्वेश्चन पेपर का वेटेज कितना हो रहा है, अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चन डाल सकते हैं। अब मानिए आपके क्वेश्चन पेपर को आपको 2 सेक्शन में डिवाइड करना है, वो भी आप कर सकते हैं, 2 सेक्शन में डिवाइड। आपको आपके पास और कोई फॉर्म है वहाँ से कॉपी करना है, जैसे ये ऑप्शन है, ये वाली ऑप्शन है, प्रीवियस कोई फॉर्म है
वहाँ से आपको कॉपी करके लाना है, तो आपको यहाँ क्लिक करना है। देखिए वहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो प्रीवियस अगर कोई गूगल फॉर्म है वहाँ से भी आप सिलेक्ट करके अपने क्वेश्चंस ला सकते हैं अगर आप रिपीटेशन चाहते हैं। ठीक है, ओके, ये रहा आपका इमेज का सेक्शन। ये रहा आपका, अगर आप कोई भी वीडियो का लिंक डालना चाहते हैं अपने क्वेश्चन में तो यहाँ से डाल सकते हैं आप। और ये रहा आपका जो लास्ट ऑप्शन है, अगर आप और एक सेक्शन बनाना चाहते हैं, तो मानिए आप एक क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, आप चाहते हैं हर एक टॉपिक डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में रहे, तो आप क्लिक करके सेक्शन बना सकते हैं। इसी तरह से सेक्शन को टाइटल देके आप क्वेश्चंस इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ जाके मैं इसको डिलीट करती हूँ क्योंकि अभी ये ज़रूरत नहीं है। डिलीट सेक्शन, ओके, तो सेक्शन आपका डिलीट हो गया। तो ये सारे ऑप्शंस थे आपके पास, ओके। प्लस है आपका नया क्वेश्चन, नेक्स्ट है फॉर्म सेलेक्ट करने के लिए, नेक्स्ट है अगर और एक टाइटल डालना चाहते हैं, नेक्स्ट है इमेज, नेक्स्ट है आपका URL, और फाइनली है आपका सेक्शन। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन, ये है आपका न्यू फॉर्म, ये है और एक टाइटल, ये है आपका इमेज, ये है आपका लिंक, और ये है आपका सेक्शन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम रिस्पॉन्सेस पे। रिस्पॉन्स है, आप देखिए एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स। अगर आप चाहते हैं कुछ समय बाद बच्चा रिस्पॉन्स नहीं देगा तो आप इसको इस तरह से बंद कर सकते हैं और बच्चे का रिस्पॉन्स आप रोक सकते हैं। ठीक है, अगर फॉर्म लिमिटर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ये आप यहीं से कर सकते हैं। इसके बाद आपको दिख रहा है ये सेक्शन, ये वाली, ये है एक्सेल फाइल, किस बच्चे को किस क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिले, डिटेल्ड एक्सेल फाइल यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छी तरह से सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं सेटिंग्स पे। सेटिंग्स आपको कहाँ से मिलेगा? सेटिंग्स आपको मिलेगा इस पर्टिकुलर, ये जो 3 डॉट्स आप देख रहे हैं, यहाँ से आपको सेटिंग्स मिलेगा। तो सेटिंग्स पे चलते हैं, एंड प्रीव्यू, मेक अ कॉपी, ये सारे ऑप्शंस भी हैं। हमें अभी प्रीव्यू और सेटिंग्स पे ही देखना है। देखते हैं प्रीव्यू अगर करते हैं सबसे पहले तो क्या आता है, ये देखिए बच्चा कैसे देखेगा फॉर्म को, वो आ रहा है, रिक्वायर्ड आ रहा है, स्टार मार्क आ रहे हैं, और सबमिट, बच्चा जब सबमिट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये प्रीव्यू हो गया। ओके, अच्छा, नेक्स्ट फिर से देखते हैं सेटिंग्स। सेटिंग्स में पहले जनरल सेटिंग्स, ओके, रेस्ट्रिक्ट टू यूज़र्स, यहाँ पे कभी कभी ये ऑप्शन काम नहीं कर रहा है तो आप इसको अनटिक कर दीजिए अगर बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा है। एंड लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स पे भी आप क्लिक कर लीजिए, बाकी सब आप अनटिक रखिए। ओके, इसके बाद अगर आप ईमेल एड्रेसेस कलेक्ट करना चाहते हैं आप कलेक्ट कर सकते हैं ईमेल एड्रेस। प्रेजेंटेशन, शो प्रोग्रेस बार कीजिए, कितने क्वेश्चंस बाकी है, कैसा प्रोग्रेस हो रहा है, बच्चों के लिए है ये। और कंफर्मेशन मैसेज अगर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, एग्ज़ाम ओवर। ओके, फिर आते हैं हम क्विजेस पे। क्विजेस पे ऑटोमेटिकली देखिए ये क्विज़ ही है, रिलीज़ ग्रेड बाद में, हमें इमीडिएटली रिलीज़ नहीं देना है, मिस्ड हटा देते हैं, करेक्ट हटा देते हैं, पॉइंट वैल्यूज़ रहने दीजिए, और सेव पे आप क्लिक कीजिए। ओके, तो ये मोर और लेस आपका पेपर बन गया, एंड कुछ
चेंज इसमें सेटिंग्स हमने कर दिया। ओके, अब हमें कहाँ जाना है, अब हमें बैक करना है, ठीक है। तो हम जैसे ही बैक करते हैं हम कहाँ पहुँच गए, अपने पेज पे, आपके मोबाइल में बैक बटन से आपको बैक जाना है, उसी पेज पे पहुँच गए। यहाँ क्या दिख रहा है, ब्लैंक क्विज ही दिख रहा है, पर एक बार फिर हम जब वापस इस पेज में आएंगे आपको वो नाम दिखेगा, ये वाला आपका ब्लैंक क्विज दिख रहा है, आपका वो नाम फिर से दिखेगा। ओके, अच्छा, ड्यू डेट आप डाल दीजिए, ड्यू डेट, सपोज़ आपको आपका 30 को एग्ज़ाम है, 30 दे दीजिए। ओके, टाइम ऑप्शनल है, अगर आप टाइम सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप टाइम सेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ आप दे दीजिए 10, ठीक है। एंड टॉपिक है अगर तो टॉपिक आप दे दीजिए, एक मेन टॉपिक क्रिएट करके रखिए, ठीक है। यहाँ से आप इसका एम कर दीजिए। ओके, सो इससे आपका टाइमिंग सेट हो गया, आपने टॉपिक भी ले लिया, टेस्ट्स, मैंने टेस्ट एक क्रिएट करके रखा था ताकि हर टेस्ट उसमें आ जाए। तो इस तरह से ये आपका रेडी है। अब हम चलते हैं असाइन पे, असाइन पे हम पहुँचे और ये आपका असाइन हो गया, ठीक है। ये देखिए मंथली टेस्ट जुलाई, हम इसमें फिर से क्लिक करते हैं। ओके, देखिए अभी देखिए मंथली टेस्ट जुलाई, ये नाम आ गया, पहले ब्लैंक क्विज था, मंथली टेस्ट जुलाई, ये आपका क्लिक हो गया। अब सपोज़ इसमें आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो क्या करेंगे। ओके, आप एडिट, मैंने कहाँ क्लिक किया, इस तीन डॉट पे क्लिक किया एंड एडिट, एडिट, एडिट पे जाके आप सपोज इसके ड्यू डेट को आप चेंज करना चाहते हैं। ओके, तो ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं ड्यू डेट को, आप कुछ भी चेंज करना चाहते हैं यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और जहाँ पे हमने असाइन किया वहाँ से आप इनिशियली टेस्ट को शेड्यूल भी कर सकते हैं, मानिए आप उस दिन के लिए शेड्यूल करना चाहती हैं, आप पहले नहीं चाहते हैं कि पहले से वो दिखे टेस्ट, तो आप शेड्यूल भी करना चाहते हैं। मैंने अभी असाइन इसलिए किया ताकि बच्चे ये टेस्ट ले एंड बेसिकली वो रेस्पॉन्स शीट मैं शेयर कर सकूं, ठीक है। तो मैं ये डेट थोड़ा चेंज कर देती हूँ यहाँ पे, डेट, ओके, यहाँ से आज का डेट दे देती हूँ मैं, 28 जुलाई, आज का डेट दे दिया मैंने। ये भी चेंज कर देती हूँ क्योंकि 10 AM तो अभी नहीं है, ये भी चेंज कर देती हूँ और इसको मैं कर देती हूँ सपोज 8। क्लॉक से भी आप सेट कर सकते हैं, वहाँ एक क्लॉक भी आता है PM, ठीक है। सो दिस इज़ डन एंड फाइनली इसको सेव करते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी असाइन अ क्वेश्चन पेपर MCQ टाइप फ्रॉम आवर गूगल क्लासरूम।
ओके एंड गिव इट टू आवर स्टूडेंट्स. धन्यवाद सभी को.